रहा था कि कैलगरी का जो वेदर है, लाइक पर्टिकुलरली, वैसे तो पूरे कनाडा का ही भरोसा नहीं होता इतना, बट कैलगरी का वेदर कितना अनप्रडिक्टेबल है वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में सुबह जब मैं उठा था तो देखा भाई, सारा पूरा नीला आसमान, एक भी बादल नहीं, पूरा वही नीला और पूरी बढ़िया सनलाइट। दोपहर में 11-12 बजे धीरे धीरे बादल आने स्टार्ट हुए, और उसके बाद मेरा क्या एग्ज़ाम था, मैं पेपर देने गया, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा एग्ज़ाम था। तो वही 4 बजे जैसे ही बाहर निकला ना, ये लग रहा था कि बारिश आएगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था, बट उसके बाद क्या हुआ है, 4 बजे के बाद जैसे ही मैं मतलब गाड़ी में बैठ के आ रहे थे घर की तरफ, जैसे ही घर पहुंचा हूँ, पूरा वही तूफान, बहुत तेज़ आंधी, ठीक है, और सारा जो नीला आसमान है पूरा ढक गया बादलों से, और अभी फिलहाल बारिश हो रही है। देखो मैं अभी आपको बाहर का दिखाता हूँ कैसे, ये देखो भाई बाहर में भी बारिश कंटिन्यू है, दिख भी रही होगी। और अभी क्या है, स्नो देखो मेल्ट नहीं हुई, और देखो ओले भी हैं भाई, ओले भी गिरे हुए हैं, ये देखो अभी पुरानी जो स्नो है ना वो सारी मेल्ट हुई नहीं है, बट ओले गिरने स्टार्ट हो गए हैं। देखो अगर कैमरे में दिख रही होंगी तो, ये लो भाई बाहर का ऐसा है। और फनी चीज़ क्या है, मतलब देखो इससे पीछे की साइड देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, वहाँ पर अभी भी बादल, क्या नीला आसमान दिख रहा होगा इन पेड़ों के पीछे से दिख रहा होगा, वहाँ का वहाँ पर है भाई अभी भी नीला आसमान, ठीक है। और ऊपर की तरफ करते हैं, ये देखो भाई ये बारिश चारों तरफ का ऐसा हुआ है, स्नो नहीं है बट ये है, पर अभी क्या होने वाला है ना, जैसे ये देखो ये यहाँ पे हेल भी दिख रही होगी, छोटे छोटे हेल भी है भाई। धीरे धीरे बारिश के साथ साथ सुबह टेम्परेचर था 10-12 डिग्री था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उस वेदर के बाद जैसे यहाँ पे देखो अभी बर्फ, ये भी सारी बर्फ मेल्ट हुई नहीं है, अभी बर्फ बची हुई है, पर क्या होगा देखो अभी बारिश होगी, ठीक है। सुबह का जो था टेम्परेचर था भाई सुबह में +12, +12 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, दोपहर में हाँ धूप निकल गई बढ़िया, +12 टेम्परेचर आ गया। एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया, एग्ज़ाम हॉल से मैं निकला बाहर, और बाहर निकलने के बाद भाई अभी टेम्परेचर अराउंड 3-4 डिग्री हो गया है, और रात को माइनस में होगा टेम्परेचर, रात को टेम्परेचर जो है -5 भी जाएगा। तो एक दिन के अंदर अंदर है ना भाई, आपको सनशाइन देखने को मिलगी, पूरा नीला आसमान, ठीक है, सेम डे आपको धूप भी बढ़िया मिलगी, सेम डे आपको बारिश देखने को मिलगी, और अभी धीरे धीरे छोटे मोटे जो ओले भी थे वो मिलगी, और अभी भाई स्टार्ट हो जाएगी स्नोफॉल। तो एक दिन में देखो आपने सनलाइट देख ली, बारिश देख ली, ओले देख लिए, और रात को स्नोफॉल भी होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे फ्रीजिंग की तरफ जाएगा ना तो स्नो भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी मैं थोड़ी थोड़ी देख पा रहा हूँ कैमरे में, बतानी आएगी कि नहीं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल अभी भी है। देखो ये बैक यार्ड है हमारे मतलब घर का पीछे, और उधर देखो हाँ फनी चीज़ ये भी है, उधर वाली साइड अभी भी नीला आसमान है भाई, देखो जैसे काफ़ी जगह पे अभी भी मतलब क्या है, उधर वाली साइड वो वेस्ट कोस्ट है, मतलब BC ब्रिटिश कोलंबिया और वेस्ट कोस्ट, और इधर की तरफ अपनी ईस्ट साइड है, टोरंटो वाली साइड जो हो गया ईस्ट कोस्ट है, जो नोवा स्कोशिया, वहाँ पर अलग वेदर है थोड़ा, दिखने में दूर तक जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, और वेस्ट कोस्ट में थोड़ा अलग है। देखो वहाँ पर अभी भी वही नीला आसमान है बिल्कुल, और सारे जो बैफ और पहाड़ जो है ना वेस्ट कोट उधर से ही, मतलब जनरली बादल जब ऊपर क्या होता है, जब कोई भी बादल नहीं होता ना तो सबसे पहले मैं जैसे नोटिस करता हूँ तो वहाँ से वेस्ट कोस्ट से बादल बनने स्टार्ट होते हैं, और फिर वो ऊपर से ऐसे धीरे धीरे उठ के आते हैं और वही यहाँ पर ढक लेते हैं। अब ये जैसे क्या घरों का बैकयार्ड है, एक तो ये तो वॉकवे हो गया, ठीक है, इस वॉकवे से पीछे की तरफ आके ये अपना है बैकयार्ड, मतलब सभी घरों का, घरों के यहाँ पे जनरली गराज होते हैं,
लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर लेते हैं, या फिर गैराज होते हैं, जैसे गैराज का एंट्रेंस है भाई अपने घर का, यहाँ से गाड़ी एंटर हो जाती है। तो ये देखो अभी मेल्ट नहीं हुई है पूरी, ठीक है, बट अभी फिर से नया स्नोफॉल जो है एक्सपेक्टेड है कि भाई दोबारा से अभी स्नोफॉल होगा। तो वही ये है कैलगरी का वेदर, मतलब नज़ारे बढ़िया, अनप्रडिक्टेबल, कोई भरोसा नहीं कि इस टाइम क्या हो जाए। और हो सकता है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है, मतलब पिछले सीजन में देखा था कि बारिश हो रही है, सब हो रहा है, थोड़ी देर में क्या होगा, अभी बारिश आ गई बढ़िया, ओले गिर गए, एक घंटे के अंदर अंदर भाई साफ, सारे बादल हट जाएंगे, पूरा फिर से नीला आसमान, फिर से धूप। अभी ऐसा जब कभी ऐसा होगा ना तो दिखाएंगे। अभी ठंडी तो नहीं होगी, और यहाँ पर बिना ग्लव्स के जो ना हाथ काफ़ी वो हो गए अपने, काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर है मतलब हाथ पे, मतलब धीरे धीरे ऐसा, मतलब फ्रीजिंग के आसपास होता है ना ठंड में लगता है, ऐसा हो गया भाई। ग्लव्स नहीं पहन गया है मैं, बट ठीक है। एक यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जैसे बारिश आई तो रोड देखोगे आप थोड़े बीच में सेंटर में ऊंचा हुआ है, और दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा स्लोप है, तो क्या जैसे सारा पानी है ना वो साइड में आ गया, जैसे उस वाली गली का, जैसे आप देखो ये सारा पानी बह के ना यहाँ से ये आने लग रहा है, इधर ये आ गया, और अभी ये पानी क्या होगा, ये सारा पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ की भी जो है स्नो हटी नहीं है, देखो ये रही लोगों के घर के बाहर, यहाँ पर भी है। और एक और चीज़ क्या होगा ना, अभी धीरे धीरे जैसे ये पेड़ है, सारे पेड़ खाली दिख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में क्या होगा, सारे पेड़ जितने भी खाली पेड़ है ना सारे भर जाएंगे भाई। जैसे ये वाला पेड़ देख लो, ये वाला भी अभी खाली दिख रहा है, इस पर थोड़े थोड़े आ गए हैं कुपल सी मेरे को दिख रही हैं, पहले काफ़ी खाली होता था। और एक पेड़ है वो वाला पेड़, वो अभी खाली है, थोड़े दिन में मैं दिखाऊंगा, जैसे आगे के जो व्लॉग्स आएंगे ना उसमें सारे जितने भी खाली पेड़ है, जैसे ये वाला देख लो, ये पेड़ है ये खाली है अभी, पर ये पूरा भर जाएगा भाई। भाई ठंड हो गई यार सच में, यार हाथ बिल्कुल लाल हो गया पूरा। ये देखो जैसे एक, हाँ यहाँ पर क्या होता है पोस्ट ऑफिस, जो कैनेडा पोस्ट होती है ना, जैसे अपनी इंडिया पोस्ट है, ऐसे एक कैनेडा पोस्ट है, उनके क्या घर के बाहर कुछ 10-12 घरों का एक एड्रेस होता है, घर की लोकेलिटी के पास में एक होती है जगह, वहाँ पर कैनेडा पोस्ट के ये लगे होते हैं, जैसे ये दिख रहे होंगे, यहाँ पर कार आती है, वैन आती है, वहीं पर पोस्ट डाल के चले जाते हैं। सबके पास क्या है, अपनी चाबी होती है, तो जो भी जिसकी भी चाबी हो बंदा आएगा इधर अपनी चाबी लगा के घर की, हर एक बंदे को जैसे एक घर के नंबर, एक घर के मेंबर को ये असाइन होगा, एक घर को, एक को ये, ऐसे सबको क्या असाइन होते हैं। तो भाई ये देखो, ये जैसे ये जितने भी पेड़ हैं ये अभी खाली हैं, पर ये सारे भाई ये सब पे आ जाएंगे, बहुत अच्छा पूरा हरा भरा हो जाएगा। और घास भी क्या, अभी जैसे इतनी अच्छी वो नहीं है क्वालिटी इसकी, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, सारी भाई ग्रीन हो जाएगी, पूरा बढ़िया हरियाली हो जाएगी। ये देखो एक अपना भाई ये पोल है, ये कई दिन हो गए सही किया नहीं अभी तक, टेढ़ा हुआ भाई, देख लो सारे पेड़ है ना, थोड़े अगले आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा मैं। ये अपना पड़ोस है भाई, अपने घर के आसपास जो है ना, मतलब यहीं से कई बार जैसे पीछे ट्रेन स्टेशन है, बस स्टॉप है अरंडल का, तो यहीं से मैं आते जाते रहता हूँ, ये अपना रेगुलर वो है, तो लोगों के चलने के लिए क्या है कि बनाया हुआ है बढ़िया, इसको पेंट कर देते हैं थोड़े टाइम बाद और सही होता है। ये आपने स्नो में देखे होंगे ये सारे घर, पिछली वीडियोस में है ना स्नो में ये सारे घर कैसे ढके हुए थे। अभी वही मेरे को सच में जाना पड़ेगा अंदर, हाथ बिल्कुल फ्रीज होने लग गए हैं, और आगे अभी स्नोफॉल होगी तो मैं उसको देखता हूँ, कंटिन्यू करूँगा, मतलब उसको भी रिकॉर्ड करके इसी में डाल देंगे। लाइक हवा जो है भाई काफ़ी ठंडी और काफ़ी तेज़ हवा है, 25 किलोमीटर पर आवर के आसपास की हवा है, मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा ही है, और उससे जो हाथों का जो फ्रीजिंग इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, हवा की वजह से हाथ ज़्यादा ठंडे हो गए ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो भी चलते हैं अंदर अपने घर में, गृह प्रवेश करते हैं। लो भाई स्नोफॉल अपनी स्टार्ट हो गई अभी, तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है अभी, और सच में स्नो अभी स्टार्ट हो गई है। देखो अभी कैमरा ऊपर की तरफ करूँगा मैं, तो अभी देखते हैं, देखो भैया आसपास दिख रही होगी, जैसे
कैमरे में कितनी रिकॉर्ड हो पा रही है, मेरे को दिख रही है आंखों से, कैमरे में पता नहीं कैसी कंडीशन है। तो खुद मैं कैमरा ऊपर की तरफ पॉइंट करता हूँ। Perfect.